नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी ज्वाइन को लेकर आदेश दिए हैं। उनको कुछ कंडीशन भी हैं उसमें, ड्यूटी ज्वाइन को लेकर क्या है वो कंडीशन जानेंगे इस वीडियो में। और जो अंतर राज्य में बस सेवा शुरू करने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है, तो उसके क्या रूट हैं वो भी इस वीडियो में जानेंगे कि किस किन रूटों पर हरियाणा सरकार अपनी बसें भेजना चाहती है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए दोस्तों, हरियाणा सीएमओ ने अभी 4:42 पर ट्वीट करके कहा है कि हरियाणा सरकार ने एचएमओ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए हरियाणा और चंडीगढ़ में स्थित हैं सभी सरकारी कार्यालयों में ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों को 100% उपस्थिति, यानी कि जितने भी ए और बी ग्रुप के अधिकारी हैं सभी को 100% ज्वाइनिंग करें, अपने कार्यालयों में आएं। और ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं वो 50% उपस्थित सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं, यानी कि जो सी और डी ग्रुप के कर्मचारी हैं उनको 50% तक अपने कार्यालय में उपस्थित होएं, ताकि सरकारी विभागों के काम शुरू हो सके। ठीक है दोस्तों, और कार्यालय में आने वाले सभी कर्मचारियों को अपने स्मार्टफोन में, जो उनका स्मार्टफोन है उनमें आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने का अनिवार्य होगा। और यदि किसी कर्मचारी के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास फीचर फोन है, तो वो विभाग अध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी के फोन से नंबर 1921 पर एक मिस्ड कॉल दी जाए। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो 1921 पर एक मिस्ड कॉल जरूर दें, और जिनके पास स्मार्टफोन है वो आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करें। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज अभी आदेश दिए गए हैं सीएमओ की तरफ से हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी ज्वाइन को लेकर। और अभी मैं बताता हूँ आपको, एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो डाली थी आज ही, कि हरियाणा सरकार ने अंतर्जातीय बसों एवं यात्री वाहनों को शुरू करने के लिए यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़ व दिल्ली को पत्र लिखकर विभिन्न मार्गों पर नियमित बस सेवा संचालन का प्रस्ताव भेजा है। शीघ्र सहमति का अनुरोध किया गया है, साथ ही उक्त राज्यों में उनके रूट पर सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने जो जो रूटों के सुझाव मांगे हैं वो रूट यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, यूपी के लिए है फरीदाबाद से अलीगढ़ जाना और आना, यूपी में ही गुड़गांव से अलीगढ़ जाना आना, यूपी में पानीपत से बरेली वाया मुरादाबाद जाना और आना वापसी, यूपी में गुड़गांव से मथुरा जाना और आना, राजस्थान के लिए है गुड़गांव से जयपुर जाएंगी बसें आना और जाना। ये पर्सनल व्हीकल और बसों के लिए ही इन्होंने रूट मांगे हैं, अगर इनकी अनुमति मिलती है तो ये रूट जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान में हिसार से अजमेर, पंजाब में करनाल से अमृतसर जाना और आना, हिमाचल प्रदेश में अम्बाला से पंचकूला शिमला, उत्तराखंड में अम्बाला से यमुनानगर और देहरादून, और यूटी चंडीगढ़ में गुड़गांव से चंडीगढ़, और दिल्ली में पंचकूला से दिल्ली और आना जाना। एमपी में है गुड़गांव से ग्वालियर तक की बसों के रूट, और अपने पर्सनल व्हीकलों के लिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजी है कि वो इस पर विचार करें और इन रूटों पर हम अपनी पैसेंजर व्हीकल और बसें चालू कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।